और देखो छोटा सा हाथी नज़र आ रहा है, एक्चुअली में है बहुत बड़ा, बहुत दूर है इसलिए नहीं नज़र आ रहा। मुझे लग रहा है यहाँ पर बहुत बड़ी लैंडस्लाइड हुई है, ये देखो सारे पेड़ वगैरह सब टूटे पड़े हैं। कितना पुराना है? 50 years. हाय 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 हाय, क्या जगह है, अल्टीमेट मैन। तो टॉप स्टेशन थोड़ा सा ही दूर है यहाँ से, ये देखिए बोर्ड लगे हुए हैं टॉप स्टेशन के। Hey guys, welcome back to the channel XTREME MOTO Adventure from Munnar. तो ये था मेरा रूम जहाँ पर कि मैं रात को सोए था, और काफ़ी अच्छी डील मिल गई कल मुझे, चौक से ही मिल गई थी, जो मुन्नार का चौक है वहाँ से एक्जैक्टली एक मिडलमैन था वो मुझे यहाँ पर लेके आया, और ये जो रूम पड़ा मुझे ये पड़ा सिर्फ 500 रुपये में। काफ़ी अच्छा रूम है, स्पेशियस है, कम्फर्टेबल है, देखिए बेड कितना बड़ा है, बाथरूम भी अटैच है। तो मुन्नार का जो टोटल डिस्टेंस होगा आज घूमने का वो होगा मेरे ख्याल से 50-60 के आसपास, और 12 बज चुके हैं तो जल्दी से फटाफट निकलना चाहिए, तो चलिए निकलते हैं। ऑफ सीज़न चल रहा है तो जो ज़्यादातर होटल्स वगैरह हैं मुझे ठीक ठाक रेट में मिल रहे हैं, और रूम आपने देख ही लिया। बाकी मौसम थोड़ा सा ख़राब है लेकिन क्या करें, आज एक ही दिन है मेरे पास इसको एक्सप्लोर करने के लिए। ओके, एडवेंचर। सो यार, तो गोप्रो के अंदर फॉग आ रहा है, क्या किया जाए समझ नहीं आ रहा, बार बार फॉग आता है चला जाता है, देखना पड़ेगा, चलो जैसा भी है करते हैं। तो पूरी रात बारिश हुई है यहाँ पर, और देखिए काफ़ी स्लीपरी है यार पूरा का पूरा एरिया, ये देखो ढलान कितनी है, यहाँ से नीचे उतरना भी थोड़ा मुश्किल है। तो इससे पिछला वीडियो दोस्तों अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल है। 4 डैम्स मैंने देखे कल और मज़ा आ गया घूमकर। हालांकि 75 किलोमीटर ओनली कवर किए थे लेकिन भाई जो सीन्स मैंने देखे वो बहुत ही अमेजिंग थे, बहुत ही अमेजिंग। तो अभी चलते हैं हम मुन्नार को एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन यार गड्ढे बहुत हो रखे हैं। तो ये है मुन्नार की मेन मार्केट आई थिंक। हाँ, यहाँ से टॉप स्टेशन कैसे जाएंगे? ओके, थैंक यू। ओ भाई साहब, गड्ढों ने तो पूरी कमर का बाजा बजा दिया। 12 बजने वाले हैं और भूख लगाई है, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं रुककर पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर जो आगे की जर्नी है हम कंटिन्यू करेंगे। हम नहीं, मैं अकेला है। ये टॉप स्टेशन के लिए कैसे जाएंगे? टॉप स्टेशन फ्रॉम हियर? ओके, थैंक यू। सो इट स्टार्टेड रेनिंग अगेन, और मैंने इतनी बारिश यार ज़िंदगी में कभी नहीं देखी जितनी यहाँ पर देखने को मिल रही है, एक्चुअली इस राइड में देखने को मिल रही है। टॉप स्टेशन ऊपर जाना है, चलो बेटा। कुंडला डैम, यस, सी द ब्यूटी ऑफ मुन्नार। पहुंच गए? नहीं, अभी तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। देखिए क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है यार, अल्टीमेट।
तो यहाँ पर एक टी फैक्ट्री है जहाँ पर की विजिट हो सकती है कि टी कैसे बनती है। मेरे ख्याल से टिकट लगेगा, फिर उसके बाद जाएंगे, लेकिन बाद में देखते हैं। सब लोग चाय पी रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो चलो यार, काफ़ी पानी आया हुआ है भाई साहब, भीड़ लगी हुई है सेल्फी खींचने वालों की। सेल्फी 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 भाई साहब, अल्टीमेट कितना भीड़ है। अरे भाई, चांदनी चौक लग रहा है। तो इस ट्रिप में बलेनो बहुत ललचा रही है, तो जिन्होंने वो एपिसोड नहीं देखा बलेनो वाला, वो यार जाकर देखो। ये ट्रिप मैं कैसे कर रहा हूँ पता चलेगा। क्या है? अरे हाथी है, हाथी, जंगली हाथी। दिखाए का? बहुत दूर है, बहुत दूर। वो देखो छोटा सा हाथी नजर आ रहा है, एक्चुअली में है बहुत बड़ा, बहुत दूर है इसलिए नहीं नजर आ रहा। भाई साहब, ये सीन क्या हुआ है समझ नहीं आया, सब कुछ उजड़ा हुआ है। मुझे लग रहा है यहाँ पर बहुत बड़ी लैंडस्लाइड हुई है। ये देखो सारे पेड़ वगैरह सब टूटे पड़े हैं। ओह माय गॉड, ये देखो। और एक फ्रेंड बता रहा था कि मुन्नार का रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था बीच में, तो आई थिंक उसी का ये असर है। चार पांच दिन पहले जगह जगह पेड़ गिरे हुए हैं, ये देखो। ओ माय गॉड, पूरा का पूरा मिट्टी नीचे आया हुआ है, ये देखो। शिट मैन, और ऐसे नज़ारे तो मैंने पहले कभी देखे नहीं, मतलब कि इतना ख़तरनाक वाला सीन। और सोच के भी सिरसिरी सी चढ़ रही है शरीर में कि अगर इस टाइम जब ये हो रहा होगा, निकल रहा होगा जो बंदा भी, तो भाई उसकी तो लग गए होंगे। वाओ मैन, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली, यस। हाउ मेनी डेज आर हियर? इट्स बीन 62 डेज टुडे। Yeah. 62. Where are you going? All India. All India. Tribal colony. Okay. Tribal colony. Yeah, tribal colony. That is? Yeah. Oh. So, ये लोग बता रहे हैं कि वो जो व्यू पॉइंट है, वो जो गांव है, वो ट्राइबल कॉलोनी है। और नज़ारा आप देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल है यार। हो गया है, जो बैटरीज है GoPro की, एक्स्ट्रा बैटरीज कैरी कर रहा था मैं, दो बैटरीज है मेरे पास, वो मैं रूम पे ही भूल गया हूँ। और ये जो बैटरी है, ये वाली ऑलमोस्ट डेड होने वाली है, तो जो फ़ोन है उससे काम चलाना पड़ेगा। और जो मेरा कैनन G7X Mark II है, उससे व्लॉगिंग होगी। अब बाइक के जो शॉर्ट्स हैं थोड़े से कम आएंगे, थोड़े से क्या, बिल्कुल भी नहीं आ पाएंगे, ऑलमोस्ट डेड होने वाली है ये बैटरी। तो लीजिए, हम पहुँच गए हैं कुंडला डैम पे,
फटाफट कर कर यहाँ से निकलते हैं, नहीं तो जो GoPro की बैटरी है वो डेड हो जाएगी, बिल्कुल 1% है। तो हाय 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 हाय, क्या जगह है, अल्टीमेट मैन। सो गाइस, दिस इज द कुंडला डैम और मुन्नार से ये 20-25 किलोमीटर आगे है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, सी, और दूसरी साइड पानी है और वहाँ पर बोटिंग चल रही है, ये देखिए। और ये खड़ी अपनी डोमिनार। तो काफ़ी ब्यूटीफुल डैम है और पहाड़ों से घिरा हुआ है और बादल है, मौसम अच्छा है अभी इस टाइम, बारिश नहीं हो रही। उधर देखिए लोग वेव करते हुए, सी, तो चलिए एक छोटी सी वॉक लेते हैं डैम पर और कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं लोकल से, अगर उनको हिंदी आती हो तो। थोड़ा मालूम है, थोड़ा मालूम है। अच्छा, कितना पुराना है ये? 50 इयर्स। 50 इयर्स? 50 इयर्स। तो बस वगैरह भी गुजरता है इधर से, है ना? बस ओनली। ओके, तो इधर कोई गांव वगैरह पीछे? टी एस्टेट है। टी एस्टेट है। तो गाइस, ये जो डैम है ये 50 इयर्स ओल्ड है और पीछे कोई गांव है जहां पर कि ये रूट जाता है सीधा, तो इससे बसें और जीप वगैरह सारी चीज़ें क्रॉस होती हैं। बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन है, अगर आप केरला में आते हैं तो इसको मिस मत करिएगा, बहुत अच्छा है। बोटिंग के कुछ चार्जेस होंगे, वहां से आप टिकट ले सकते हैं और यहां से ये सीधा रास्ता जो विलेज है जाता है। बाकी लोग बोटिंग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं नेचर का, बहुत पीसफुल प्लेस है और मज़ा आ रहा है। देखिए कार आ रही है सामने से और ये भाई साहब अपनी बाइक लेके आते हुए, नाइस यार। तो काफ़ी अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है मुझे। हेलो, हेलो, हाय सर, हाय, हाउ आर यू? फाइन फाइन। ओके सर, कमिंग फ्रॉम सर, हाँ, दिल्ली। दिल्ली, ओके सर। यस, हाउ इज मुन्नार? मुन्नार इज ब्यूटीफुल। ओके सर, ओके सर, सो ब्यूटीफुल, आई एम कमिंग सेकेंड टाइम। ओके सर, ओके सर। बाइक राइड है सर? यस, ऑन बाइक। 7 kilometers. Tamil Nadu Kerala border. Okay. तो टॉप स्टेशन की तरफ बढ़ते हैं और तमिलनाडु केरला बॉर्डर पर है, दूसरी साइड केरला तमिलनाडु पड़ जाता है। यस सर, ओके। तो दोस्तों हम पहुंचे हैं कहाँ, टॉप स्टेशन नहीं पहुंचे क्योंकि यार वहां पर बहुत सारा ट्रैक करना पड़ता और जो मेरा सामान है, लगेज है, उसके साथ ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल था। तो टॉप स्टेशन थोड़ा सा ही दूर है यहां से, ये देखिए बोर्ड लगे हुए हैं टॉप स्टेशन के, लेकिन जो पीछे का नज़ारा है वो ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा मुझे, तो मैं यहां पर रुक गया हूं। ये देखिए थोड़े से ड्रोन शॉट्स लिए हैं, तो उनको देखिए और एंजॉय करिए। Thank you.
सो गाइस राइट नाउ मैं पहुंचा हूं एक ऐसी जगह जहां पर कि मैं 2016 में भी आया था। बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं क्या गजब का सीन है। और खेती कर रहे हैं लोग, पैडी फील्ड्स हैं, पैडी कह सकते हैं, जो भी है पहाड़ों में ही है। और यहाँ पर बैठने के लिए आपके लिए चेयर भी लगी हुई है, उधर भी बहुत सारी हैं वो देखिए। और ये जो जगह है ये है जब आप टॉप स्टेशन जाते हैं मुन्नार से, उसके बीच में पड़ती है, बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है। और ये खड़ी मेरी बाइक डोमिनार, और मैंने यहाँ पर चेयर पर बेंच पर अपना हेलमेट वगैरह रखा हुआ है। तो चलिए अब कुछ ड्रोन शॉट्स लेते हैं, फिर बढ़ते हैं रूम की तरफ।